हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल ये लकी बैम्बू है। ये बिलीव करते हैं कि ये बहुत खुशियां आपके घर लाता है, बहुत वेल्थ लाता है, बहुत सुकून लाता है। ये लकी बैम्बू है और ये एक्चुअली में बैम्बू नहीं होता। बैम्बू देखिए वो होता है, ये बैम्बू है। ये जो प्लांट है ये एक्चुअली में ड्रेसीना है और आज हम लोग ये ड्रेसीना सैंड्रियाना है, इसका नाम ड्रेसीना सैंड्रियाना। और इसको हम लोग लकी बैम्बू को हम लोग आज पॉटिंग सॉइल में लगाएंगे। क्या होता है कि ये जब पानी में बहुत दिन तक रहता है तो इसकी कुछ स्टॉक्स पीली होने लगती हैं, कुछ लीव्स भी पीली होने लग जाती हैं। तो मैं इसको पॉटिंग सॉइल में लगाऊंगी आज और आपको पूरा पॉटिंग सॉइल, बेस्ट पॉटिंग सॉइल फॉर दिस प्लांट और कैसे लगाना है पूरा तरीका इसको खोल के दिखाऊंगी और हम लोग पूरा प्रोसीजर फॉलो करेंगे। और मैं और भी इसके अलावा भी और ड्रेसीना दिखाती हूँ। ये ड्रेसीना सैंड्रियाना है, इसकी स्टॉक्स है, लीव्स ऊपर छोड़ने लगी है, स्टॉक नीचे ऐसी। इसका भी देखिए, इसका भी ऐसे ही है। और ये वाला सॉन्ग ऑफ इंडिया है, इसमें भी देखिए ड्रेसीना की क्वालिटी है, नीचे से लीव छोड़ने लग जाती है। ये भी है ड्रेसीना, ये ड्रेसीना मार्जिनाटा है। इसकी रूट्स ये निकालती हूँ इसमें से, ये जनरली लोग अंदर रखते हैं पानी में लगा के और ये बिलीव करते हैं कि ये बहुत खुशियाँ, गुड लक, सब कुछ लेके आता है। और इसको मैं खोलती हूँ और इसको लेयर्स में लगाते हैं अंदर। और ये वुड, सन, वाटर सब सिग्निफाई करता है, पांच चीज़ें। वैसे मैं इसमें इतना बिलीव नहीं करती हूँ मगर ये लक के लिए रखा जाता है और ये फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को, क्लोज लोगों को दिया जाता है। ये देखिए, ये है ये, कुछ मैं धीरे से हटाऊंगी। ये देखिए, और इसको भर के लगाऊंगी, बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। और इसको भी इंडोर रख सकते हैं और इसको पानी में छोड़ देती हूं मैं। एक बार इसको कटिंग से भी ग्रो करके ट्राई करूंगी। अब ये देखिए, ये छोटे छोटे यहां से ऑफ शूट निकल रही है और जब कटिंग करते हैं तो यहां पर थोड़ा सा वैक्स लगा देते हैं ताकि यहाँ इन्फेक्शन ना हो और यहाँ से ग्रोथ ना हो और यहाँ से साइड से ग्रोथ हो जाए। ये देखिए सब में ऐसे ही है। तो ये सारा हम लोग लगाएंगे जितने भी हैं, इसमें से नीचे से रूट इसकी क्लीन कर देती हूँ मैं और सबको अलग अलग कर दिया है, सब अलग हो गए। ये पॉटिंग सॉइल में मैंने बहुत हल्की सॉइल ली है क्योंकि ये अभी रूट्स इसके पानी में थे, तो इसमें मैंने लिया है 1/4 कोकोपीट लिया है, 1/4 सैंड लिया है, 1/4 गार्डन सॉइल और 1/4 वर्मी कंपोस्ट लिया है और परलाइट डाला है और हल्का करने के लिए। और इसको धीरे धीरे करके और इससे पुश करना अवॉइड करके थोड़ा किसी और चीज से, या मैं तो हाथ से कर रही हूं। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। ये इंडोर भी रख सकते हैं और इसकी केयर ये है कि इसको डायरेक्ट सन में नहीं रखना है। ये डायरेक्ट सन में रखने से इसके लीव्स थोड़ी जल जाती हैं। जैसे इन लोग हम लोग घर के अंदर रखते हैं ऐसे मैं कुछ दिन इसको बाहर थोड़ा शेड में रखूंगी फिर इसको घर के अंदर ले आऊंगी मैं। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये जो बैम्बू है इसको हम लोग गोल्डन बैम्बू कहते हैं। इसकी लीव्स भी बहुत ज्यादा धूप में रखने से खराब हो जाती हैं उसकी भी। वो मेरा 10 साल पुराना है, ऊपर से मैंने ट्रिम भी किया हुआ है उसको। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और जब ग्रो कर जाएगा तब और अच्छा लगेगा। इसमें पानी जब हम लोग डालेंगे तो इसकी सॉइल जस्ट मॉइस्ट रहनी चाहिए, बहुत ज्यादा पानी इसमें नहीं डालना है और ड्राई भी नहीं होने देना एकदम भी,
जैसे ही थोड़ा सा ड्राई लगने लगे तो इसमें पानी लगा देना है। इसको अच्छे से प्रेस कर देती हूँ सबको, ताकि इसमें एयर पॉकेट्स ना रहे। ये हो गया। जो मैं पानी डालूंगी अभी, उसमें थोड़ा सा मैंने फंगीसाइड डाला हुआ है, ताकि इसमें थोड़ा फंगस ना लगे। अच्छे से इसको मैंने प्रेस कर दिया है और ये सारे सेट हो गए। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब इसमें पानी डालेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, स्प्रे बॉटल से थोड़ा सा, बस थोड़ा सा वेट कर देंगे, बस बहुत है, क्योंकि सॉइल भी मैंने थोड़ी वेट ली थी। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो इसकी केयर टिप्स में ये है कि इसकी सनलाइट इसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं चाहिए, और पानी बस जब मॉइस्ट रहे, जब भी थोड़ा ड्राई होए तो बस पानी डाल दीजिए, और बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर की भी जरूरत नहीं है। जो अभी हम लोग ने डाला है फर्टिलाइजर, ये एनफ हो जाएगा ऑलमोस्ट 7-8 मंथ्स के लिए। फिर उसके बाद में थोड़ा लिक्विड फर्टिलाइजर डाल देंगे। ये लकी बैम्बू प्लांटेड इन पॉटिंग सॉइल, मैं आफ्टर 10 डेज आपको दिखा रही हूँ। कुछ दिन मैंने ये ट्रीज के नीचे रखा था, अब ये अंदर ले आई हूँ। अब ये लग गए प्लांट्स और इनकी रूट्स सेट हो गई हैं। इनफैक्ट रूट्स तो थी ही इसमें, और ये पॉटिंग सॉइल में लग गया, तो अब बहुत अच्छा ग्रो करेगा, और इंडोर के लिए ये बहुत ही बढ़िया लकी प्लांट है। तो आई होप आपको ये वीडियो प्लांटिंग ऑफ लकी बैम्बू इन पॉटिंग सॉइल अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।